डीके सुरेश का सबसे बड़ा परिचय यह है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई हैं। बैंगलोर रूरल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने की हैट्रिक लगा चुके हैं। पैसे कौड़ी के मामले में भी काफी अमीर हैं। 338 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। अब चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने ताओ में अलग देश की मांग कर डाली है। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया, उम्मीदों से उलट बजट में ना कुछ सस्ता किया, ना महंगा किया, ना ही टैक्स घटाया और ना ही टैक्स को बढ़ाया। कांग्रेस से डीके सुरेश से पूछा गया कि बजट पर रिएक्शन, तो उन्होंने बयान दे दिया कि दक्षिण भारत के राज्यों का पैसा उत्तर भारत जा रहा है। डीके सुरेश कह ये रहे थे कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बयान देते देते इतने क्रांतिकारी हुए कि अलग दक्षिण देश की मांग कर डाली। अलग देश की थ्योरी कहां किसी को पचने वाली थी। डीके सुरेश की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में खड़े होकर ऐसी फालतू बात करने के लिए अपने ही पार्टी के सांसद को डपट दिया। कहा, कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूँ, अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। दूसरी तीसरी बात बोलता हूँ, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक है, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो इट विल नॉट गो। राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तब डीके सुरेश ने भारत तोड़ो जैसी बात कर दी। मामला संभालने के लिए खड़गे ने देश की एकता के लिए पार्टी लाइन से उठकर स्टैंड लिया, लेकिन सुरेश ने बीजेपी को बड़ा मौका थमा दिया है, जिसका भरपूर इस्तेमाल कांग्रेस पर चढ़ाई के लिए शुरू हो गया है। खड़गे को तब बोलना पड़ा जब राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कांग्रेस को बैकफुट पर डालने के लिए मुद्दा उठाया। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। डीके सुरेश डीके शिवकुमार के सगे छोटे भाई हैं। सुरेश की राजनीतिक पारी शुरू हुए मुश्किल से 10 साल हुए हैं। 2013 में एचडी कुमार स्वामी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में बैंगलोर रूरल सीट से जीते थे। उसके बाद 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। डीके सुरेश के खड़े किए गए बवाल की शिव कुमार ना तो तारीफ कर रहे हैं और ना ही आलोचना। कहा कि उन्होंने दक्षिण का दर्द बताया है। मिस्टर सुरेश और एनी अदर लीडर, एचके पार्टी और एनी अदर लीडर मेट स्पोकन द पेन ऑफ साउथ इंडिया। सी देयर शुड बी अ बैलेंस, द एंटायर कंट्री इज वन, यू कांट ओनली लुक एट द हिंदी बेल्ट, यू हैव टू लुक एट द एंटायर कंट्री। सो इन दिस बजट देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ financial sector, though Karnataka has been giving lot of revenue to the center, I think I don't see any, not even last year also at least something was being given, still not has been delivered. For example, for education itself, the about 5,200 crores was being allotted and not even a single rupee has been released. And entire South India, there is no major announcement which has been done. So we all feel that we have been let down. But as a party president, the entire country is one,
We are Indians. There is no question. India should be united. There is no question of asking any region wise. कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण के राज्य जीएसटी, कॉर्पोरेट एक्साइज ड्यूटी जैसा टैक्स वसूलते हैं और केंद्र सरकार को देते हैं, बदले में उनको उचित शेयर नहीं मिलता। कई राज्य इस पर आपत्ति जताते रहे हैं। यही गैर बीजेपी राज्यों से भेदभाव करने का मौका मिलता है। डीके सुरेश का दावा है कि दक्षिण से केंद्र सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन राज्यों को शेयर देने में केंद्र सरकार कंजूसी करती है। जनवरी में सीएम सिद्धरमैया ने भी आरोप लगाया था कि कर्नाटक का टैक्स का हिस्सा हर साल घट रहा है। कर्नाटक के लोगों के टैक्स का पैसा उत्तरी राज्यों को दिया जा रहा है। कर्नाटक का टैक्स शेयर 15वें वित्त आयोग में 3.64% कर दिया गया, जबकि 14वें वित्त आयोग में 4.71% होता था। इससे कर्नाटक को 3 साल में 26,140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी ने तब भी सिद्धरमैया के दावे को झूठा कहा था। बीजेपी नेता और अश्वथ नारायण ने डेटा दिया कि कर्नाटक को यूपीए सरकार से 245% ज्यादा पैसा मोदी सरकार में मिला। 2014 से 2024 के बीच कर्नाटक को केंद्र सरकार से 2,82,791 करोड़ रुपए मिले। 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार में 60,779 करोड़ रुपए ही कर्नाटक को मिले थे। विवाद यह है कि सभी राज्य अपनी कमाई से केंद्र सरकार को हिस्सा देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से उनको बदले में कम मिलता है। सुरेश ने जो कहा वो निजी हित का नहीं, दक्षिण के हित का मामला है। बस अलग देश की बात कहकर वो अब विवादों में आ